हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 6 अगस्त 2020। आज के दिन को हम हिरोशिमा दिवस के रूप में भी जानते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। आज की पहली करंट अफेयर है, मनोज सिन्हा होंगे जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने हाल में अपना इस्तीफा दिया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया तथा आज सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोज सिन्हा को जम्मू और कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। जब मोदी सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करके राज्यों को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांटा, तो इसी के बाद 31 अक्टूबर 2019 को मुर्मू को जम्मू एंड कश्मीर का पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले मुर्मू नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आज की अगली करंट अफेयर है, धौलाकुआ में IIM की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की सिरमौर जिले के धौलाकुआ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी। IIM भारत के सर्वोत्तम प्रबंधन संस्थान है। वर्तमान में भारत में कुल 20 प्रबंधन संस्थान हैं। ये प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि प्रदान करते हैं, जो MBA के समतुल्य है। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट मतलब CAT के आधार पर होती है, जो दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक है। आज की अगली करंट अफेयर है, आज दिनांक 6 अगस्त 2020 को यह घोषणा की गई कि आगामी G20 सम्मेलन में जल निश्चय योजना को शामिल किया जाएगा। यह योजना भारत के बिहार राज्य में सितंबर 2016 से लागू की जा चुकी है, जिसका लक्ष्य हर घर नल जल है। यह सम्मेलन 21 से 22 नवंबर 2020 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया जाएगा। आज की एक अन्य करंट अफेयर है, BCCI की ओर से जारी बयान के मुताबिक यदि खिलाड़ी नकली एज सर्टिफिकेट जमा करने या जन्मतिथि में हेरफेर करने के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले खिलाड़ियों को गलती सुधारने का एक मौका भी दिया है। BCCI ने 2020-2021 सीजन के लिए अपनाए गए नए उपायों के तहत स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना लागू की है। इस योजना में कहा गया है कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पूर्व में अपनी जन्मतिथि में हेरफेर किया है या फिर फर्जी आयु प्रमाण पत्र जमा किया है तो उन्हें उपयुक्त आयु वर्ग में हिस्सा लेने की मंजूरी भी दी जाएगी। आज के दिन की अगली करंट अफेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान हासिल किया, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज से आगे सिर्फ आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल है। इस सूची में प्रथम स्थान एप्पल, द्वितीय स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज और तृतीय स्थान सैमसंग का है। फ्यूचर ब्रांड सूचकांक दुनिया के बड़े ब्रांड्स के बारे में बताता है। यह सूचकांक 2014 से प्रकाशित हो रहा है। रिलायंस की स्थापना 1966 में भारतीय उद्योगपति धीरूभाई अंबानी द्वारा की गई।
इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह कंपनी 5 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है। नंबर 1 पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, पेट्रोलियम संशोधन और विपणन, पेट्रोकेमिकल खुदरा तथा दूरसंचार। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक, कुल शेयर 47% इनके पास ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब नेट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो गई है। इंडस्ट्री ने कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य मार्च 2021 तक रखा था, परंतु पिछले 28 दिनों में रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ इस लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लिया। साथ ही मुकेश अंबानी पिछले एक माह में दुनिया के 8वें धनी व्यक्ति से 6ठे धनी व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने 6ठा स्थान गूगल के को-फाउंडर लोरी पेज को पीछे छोड़कर प्राप्त किया। आज की करंट अफेयर में इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन सन 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। आज ही के दिन 5 अगस्त 1906 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज के दिन को हम हिरोशिमा दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो आज का एक अन्य ऐतिहासिक तथ्य हिरोशिमा से ही संबंधित है। आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 का दिन, जब वैश्विक इतिहास में एक ऐसी विध्वंसात्मक घटना घटी जिसे याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। यही वो दिन था जिस दिन हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया। हिरोशिमा जापान में स्थित है। परमाणु बम गिराने की दुनिया में यह पहली घटना थी। इसके धमाके ने इतनी तबाही मचाई थी कि उसका दर्द आज भी लोगों के जहन में है। इतिहास की ये तारीख जिसे कहीं जश्न के रूप में मनाया जाता है तो कहीं गम के रूप में याद किया जाता है। आज इस विध्वंसक घटना यानी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस घटना की तारीख पर जहां अमेरिका एवं रूस जश्न मनाते हैं, वहीं जापान के लोग अपनी हार और इस युद्ध में मारे गए अपनों को याद कर गम में हैं। इस घटना के 6 दिन बाद ही जापान ने सरेंडर कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई एवं धुरी राष्ट्रों की पराजय हुई। इस घटना का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जापान जर्मनी की सहायता से भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत तेज़ी से अंग्रेजी सेना को अनेक मोर्चों पर हराकर आगे बढ़ रही थी। अचानक जर्मनी और जापान के आत्मसमर्पण कर दिए जाने से आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इतना विध्वंस मचाने वाला परमाणु बम लिटिल बॉय के बारे में जाने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लिटिल बॉय कोड नाम वाला परमाणु बम इतना भी छोटा नहीं था जितना इसके शाब्दिक अनुवाद से पता चलता है। इसकी लंबाई 3.5 मीटर थी और इसका वजन 4 टन, रंग नीला और सफ़ेद। इस बम की शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। लिटिल बॉय अमेरिकी जंगी जहाज B-29 एनोलागे द्वारा 8:15 जापान के शहर हिरोशिमा में जलजला आ चुका था। 43 सेकंड मात्र बीने लगे और आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी पैदा हुई। अचानक तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तब हिरोशिमा की आबादी 3.5 लाख थी। एक अनुमान के मुताबिक 1,40,000 लोग तुरंत मारे गए। हिरोशिमा के हर 10 में से 9 घर ध्वस्त हो गए। 20,000 फीट की ऊंचाई तक
धुआं दिखाई दे रहा था। महात्मा गांधी जी ने इस घटना को विज्ञान का सबसे बड़ा पैशाचिक कृत्य बताया। आज की वीडियो में इतना ही। हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। आपका सहयोग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को पसंद करते रहिए। आपके हर प्रकार के सुझाव हमारे लिए आमंत्रित हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।